दोस्तों बहुत सारे फोटोग्राफर जब अपने कैमरा के अंदर वाइट बैलेंस सेट करते हैं तो वो ज़्यादातर ऑटो वाइट बैलेंस पे ही शूट करते हैं, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं होता कि भाई वाइट बैलेंस को किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑटो वाइट बैलेंस, या कई बार वहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्रीसेट्स जो है हमें वाइट बैलेंस के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि इनकैंडेसेंट या आपको शेड्स या आपको सनी या वगैरह वगैरह आप देख पाएंगे। चाहे आप कैनन यूज़र हैं, निकॉन यूज़र हैं या आप सोनी कैमरा यूज़ करते हैं, वहाँ आपको अलग अलग वाइट बैलेंस के जो है प्रीसेट्स मिल जाएंगे। बट उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जो होता है केल्विन का। अब वहाँ बहुत सारे नंबर्स होते हैं और कई फोटोग्राफर्स घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या बीमारी है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हैंडल करना है, केल्विन को हम केल्विन किस तरह से हमारी पिक्चर्स को जो है क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी फ़ोटोज़ के ऊपर। तो यहाँ आज हम सीखेंगे कि अगर आपको केल्विन को ठीक से सेट करना आता है तो आप अपनी फोटोग्राफी को बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, और आपके जो कलर्स हैं वो आपको आपकी लाइटिंग के अनुसार, यानी कि जिस लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं वहाँ पर आप बहुत सारा ड्रामा भी क्रिएट कर सकते हैं, नेचुरल स्किन भी आप अचीव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आपको केल्विन को ठीक से सेट करना आता हो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू सेट करेक्ट केल्विन इन योर DSLR कैमरा और अ मिररलेस कैमरा। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों केल्विन जो है उसे थोड़ा सा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए केल्विन जो है वो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर ऑफ द लाइट, यानी कि जो भी लाइट होती है, जो भी लाइट सोर्स है उसका एक अपना अलग कलर टेम्परेचर होता है, चाहे वो कैंडल लाइट हो, चाहे वो फ्लोरोसेंट लाइट हो, चाहे आपकी बल्ब की लाइट हो, चाहे ट्यूबलाइट लाइट हो, चाहे नेचुरल लाइट हो, अलग अलग कंडीशन में, यानी कि सुबह के टाइम कलर टेम्परेचर अलग होता है लाइट का, दोपहर के टाइम लाइट थोड़ी हार्ड होती है तो उस टाइम कलर टेम्परेचर अलग होता है, और शाम के टाइम जैसे कि अभी हम शूट कर रहे हैं तो उस टाइम कलर टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। इसी तरह से हमारे जो फ्लैश होते हैं, स्टूडियो स्ट्रोब्स होती हैं, उनका भी जो कलर टेम्परेचर है अलग अलग होता है। तो केल्विन जो है बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है और हम उस कलर टेम्परेचर को जो है केल्विन में मेजर करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब इस बहुत सारी साइंस में अंदर नहीं घुसते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोग्राफी के अंदर हम किस तरह से अपने फ़ोटोज़ के अंदर केल्विन के थ्रू अपनी पिक्चर्स को अच्छा ड्रामेटिक, नेचुरल या किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीखने वाली बात है। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स को लगता है कि भाई हमने अपना जो वाइट बैलेंस है वो ऑटो पे डाल दिया है तो हमारी हमेशा पिक्चर हमें ऑटो वाइट बैलेंस जो है ठीक ही मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी सिचुएशन में वो वर्क ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल मैं इनका एक फ़ोटो लेता हूँ और यहाँ मैंने वाइट बैलेंस जो है वो अपना ऑटो पे रखा है, देखते हैं हमें फ़ोटो कैसा मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर हमें अच्छा मिला है लेकिन कितना येलो जो है वो टोन आ गया है पिक्चर के अंदर, सो इट्स नॉट लुकिंग नेचुरल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑटो वाइट बैलेंस है वो टोटली जो है फेल हो गया है। होता ही है कि जो नंबर्स हैं उसको देख के आप घबराइए मत, जो केल्विन के नंबर्स हैं आप प्रैक्टिस करिए कि आप अच्छे से अच्छे कलर टेम्परेचर को अचीव कर सके अकॉर्डिंग टू द लाइट सिचुएशन और आप किस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं। अगर आपको ड्रामा क्रिएट करना है तो आप उन नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं अलग अलग कलर टेम्परेचर्स के साथ में, और अगर आपको नेचुरल स्किन टोन चाहिए तो भी आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। ज़रूरत है कि आपको उन नंबर्स को समझना। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ज़्यादातर कैमरास के अंदर जो केल्विन के नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2500 केल्विन से लेके 10,000 केल्विन तक। तो एक सिंपल सी साइंस आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आप अप टू यानी कि 2500 से 5000 केल्विन तक शूट कर रहे हैं या 5000 केल्विन के नीचे शूट कर रहे हैं इनफैक्ट, तो वहाँ पर जो आपको जो टोन है वो आपको थोड़ा सा ब्लू टोन मिलेगा आपकी इमेजेस के अंदर, यानी कि आप 4700, 2300, 2000 पे शूट कर रहे हैं, 3000 पे या आप जितना नीचे जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है ब्लू टोन आपके पिक्चर्स में ऐड होगा, और 5000 एंड अबव आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है कलर टेम्परेचर में आप देखेंगे कि आपको येलो टोन अचीव हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने ऑटो वाइट बैलेंस पे लिया तो भी मेरे पास में आप देख पा रहे हो सही वाइट बैलेंस के साथ में इमेज नहीं मिला। तो ये एक सिंपल सी साइंस है। अब इसके हिसाब से आपको अपने फ़ोटोज़ में आप जिस तरह की भी फोटोग्राफी कर रहे हैं उस हिसाब से आपको ये कलर टेम्परेचर यानी कि केल्विन्स को सेट करना है। अब देखिए मैंने अपने कैमरा में यहाँ पर केल्विन रखा है, वो रखा है 2500 केल्विन। अब लेते हैं उसमें एक पिक्चर तो आप देखेंगे किस तरह से जो है फ़ोटोज़ के अंदर फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ जैसे मैंने पिक्चर लिया तो आप देख रहे हैं पूरा एकदम आपको ब्लू टोन ऐड हो गया इमेज के अंदर, बिकॉज हमारा जो केल्विन है वो 2500 के ऊपर है। तो ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है। अब जो हमारा अगला केल्विन मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ वो रहेगा हमारा 4000, यानी कि 2500 से हम 4000 केल्विन पे शूट करेंगे। देखते हैं कि हमें यहाँ पिक्चर कैसी मिलती है, और सेम लोकेशन है, सेम जगह है, तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी पिक्चर थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है। बट अगेन आप देखेंगे तो पिक्चर के अंदर जो है थोड़ा थोड़ा
ब्लू इफेक्ट अभी भी यहाँ पर बचा है बिकॉज वी आर शूटिंग अंडर 5000K। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एकदम नेचुरल स्किन के साथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर हमें अगर नेचुरल स्किन चाहिए, एक उनका जो स्किन टेक्सचर है, हेयर कलर है और जो टोटल सीन है वो अगर हमें नेचुरल चाहिए तो यहाँ हमें 5000 अब जाना पड़ेगा। तो अब मैं लेता हूँ अपना कलर टेम्परेचर चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा अब सीधा सीधा 5000 केल्विन पे और देखते हैं कि अब हमें फ़ोटो कैसी मिलती है। चलिए लेते हैं एक पिक्चर और इनका, और यहाँ पर हमने एक फ़ोटो लिया इनका। तो देखिए अब ये पिक्चर हमें काफ़ी हद तक बहुत ही नेचुरल नज़र आ रही है, बट स्टिल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और हम इसके अंदर ड्रामा ऐड कर सकते हैं। और ये जो पिक्चर है काफ़ी हद तक नेचुरल है, बट अगेन यहाँ पर हम थोड़ा सा केल्विन और ऐड करेंगे, यानी कि अब मैं यहाँ पर कुछ 200 और ऐड कर रहा हूँ केल्विन, यानी कि 5200 केल्विन पे शूट करेंगे। देखते हैं कि पिक्चर हमें किस तरह की मिलती है। रेडी, लेते हैं एक शॉट। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस पिक्चर इज़ लुकिंग मच मच बेटर, यानी कि 5200 पे हमें ना केवल एकदम रियल स्किन टोन मिल रहा है बट पिक्चर भी हमारी बहुत नेचुरल नज़र आ रही है। तो अगर आप इस तरह से अपने केल्विन की सेटिंग्स के साथ में थोड़ी छेड़छाड़ करेंगे शूट करते वक्त, तो आप देखेंगे कि आपका जो कमांड है आपके सीन के ऊपर वो बहुत खूबसूरती से आएगा, और आप केल्विन को मैनिपुलेट करना सीखेंगे तो वहाँ पर आप बहुत सारा ड्रामा भी क्रिएट कर पाएंगे, वो अभी हम आगे की फ़ोटोज़ में देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे यहाँ थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करना है, यानी कि मुझे मान लीजिए थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक चाहिए जैसा कि सिनेमा में होता है, उस तरह का लुक क्रिएट करना है, तो मैं अपने सिर्फ केल्विन की सेटिंग्स को चेंज करना है मुझे। मैं यहाँ सीधा सीधा जो है केल्विन बढ़ा रहा हूँ, यानी कि करीब 7200 केल्विन रख रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा सिनेमेटिक लुक की तरफ जाऊँगा। और यहाँ पर लेते हैं एक पिक्चर, तो आप देख रहे हैं कि ये हमें किस तरह से पिक्चर रिजल्ट निकल के आता है। चलिए लेता हूँ मैं पिक्चर, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं बिल्कुल एक हमें सिनेमैटिक लुक मिला है, जिस तरह हम सिनेमा के अंदर देखते हैं उसी तरह का स्किन टोन हमें अचीव हुआ है, उसी तरह का पूरा लुक आया है। अब ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपने केल्विन्स के साथ में किस तरह से प्ले करना है, कैसी सिचुएशन है, किस तरह की लोकेशन में हम बैठे हैं, किस तरह का ड्रामा हमें क्रिएट करना है। तो बस यहाँ पर आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए लेते हैं अगला शॉट। अब दोस्तों थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने केल्विन के साथ में, यानी कि अब मैं रख रहा हूँ अब यहाँ पर 4300। तो अब आप देखेंगे कि अगर जब हम इसे इस टेम्परेचर को सेट करेंगे, तो मैं लेता हूँ इनका एक पिक्चर और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीन है वो हमें थोड़ा सा ब्लूइश मिलेगा और जो स्किन है स्किन टोन हमें थोड़ा सा नेचुरल मिलेगा, और देखते हैं कि किस तरह का पिक्चर है निकल के आता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग केल्विन पर आप अपना वाइट बैलेंस सेट करिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोज़ आपको मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर जो है हमें कितना अच्छा मिल रहा है, थोड़ा अलग तरह का सीन हमें अचीव हुआ है। तो ये एज अ फोटोग्राफर आपको सोचता है कि आपको पोर्ट्रेट जब आप ले रहे हैं या आप कोई भी इस तरह का मॉडलिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं या कोई क्रिएटिव पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किस तरह का स्किन टेक्सचर चाहिए, किस तरह का सीन चाहिए बैकग्राउंड में या फोरग्राउंड में, किस तरह का आपको इफेक्ट चाहिए, यानी कि टोटल सीन की जो टोन है वो आपको किस तरह से चाहिए। तो आप अगर केल्विन्स के ऊपर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश की है कि आप अपने केल्विन को इस्तेमाल करिए, यूज़ करना, उन नंबर से आप घबराइए मत। अब 2500 से लेकर 10000 केल्विन तक आप अलग अलग केल्विन पे शूट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं तो उस वक्त का टाइमिंग क्या है, किस तरह के लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने केल्विन के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हैं, मान लीजिए स्ट्रोब लाइट के साथ में, तो वहाँ भी आप काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आपको पिक्चर्स जो हैं वो बहुत ही कमाल की मिलेंगी। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके समझ में आएगा कि आप किस तरह से एक सही केल्विन, यानी कि अब इसमें कोई सही गलत नहीं होता कि यही नंबर आपको डालना है, ये डिपेंड करता है कि एज अ फोटोग्राफर आपकी उस सीन को लेकर क्या इमेजिनेशन है। बस इस बात का ध्यान रखिए, अंडर 5000 जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्लू टोन ऐड होगा, अब 5000 जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा येलो ऐड होगा। अब कितना येलो चाहिए और कितना आपको ब्लू चाहिए और कितना दोनों के बीच में बैलेंस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको पिक्चर्स मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत। उम्मीद है आज इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।